मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं को आरक्षण नहीं देते, क्या हमारी माँ बहन बेटी आज जिला परिषद की सदस्य बनती, मुखिया बनती? और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि 18 तारीख को आए और अपने जो ताकत है उसको दिखाएं। क्षत्रिय पंचायत प्रतिनिधि के सम्मान में एक भव्य जो सम्मेलन है वो पटना के बापू सभागार में आयोजित किया गया है। बता दें आपको कि 18 जून को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जनता दल यूनाइटेड के MLC संजय सिंह कर रहे हैं। आज जब इस सम्मेलन से जुड़ा सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पंचायत को मजबूती दी है इसके एवज में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने जिस ताकत के साथ पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान दिया है और ख़ास तौर पर हमारे जाति से आने वाले लोग जिस तरीके से पंचायत में काम कर रहे हैं, ऐसे में ये जो सम्मेलन किया जा रहा है वो हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान के लिए है। क्या कुछ कहा है JDU के MLC संजय सिंह ने पूरे सम्मेलन को लेकर, आप सुनिए। जो 18 जून को है क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये आयोजन पूरे बिहार से लोग जो हमारे समाज से जीत के आए हैं उनको हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज को फिर से वापस लाने का काम किया है, पंचायत में सरकार का स्थापना किया। आप सोच लीजिए, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं देते, क्या हमारी माँ बहन बेटी आज जिला परिषद की सदस्य बनती, मुखिया बनती, प्रमुख बनती, BDC मेंबर बनती? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज को बहुत मजबूत बनाया है और हमारे समाज से जो जीत के आए हैं, मैं ऐसे जनता को धन्यवाद देता हूं और आगाह भी करता हूं कि हमारे समाज के जो मुखिया जनप्रतिनिधि हो जिला परिषद सदस्य जीत के आए हैं, जनता ने उनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है, उस जिम्मेवारी पर खड़े उतरे, जनता मालिक होता है। ये सम्मान हम लोग को है कि हमारा समाज जो बटा हुआ है उसको गोल बंद करने के लिए हम जोरदार रूप से इसको ठीक करने में लगे हैं। 2020 में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि मनाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप मूर्ति का घोषणा किया था। आप लोग को मालूम है कि कोरोना का पीरियड था, पूरा विश्व से झेल रहा था, ये माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, फिर से एक दिन का राजकीय समारोह का घोषणा किया और एक मूर्ति का जो महाराणा प्रताप का मूर्ति रहेगा हार्ट ऑफ द सिटी रेडियो स्टेशन के जो आगे पार्क है उसमें लगाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। मैं उनको तहे दिल से अपने क्षत्रिय समाज की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और 18 जून को सारे हमारे समाज को भी निमंत्रण भी दिया हूं सब जिला में घूम घूम कर, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि 18 तारीख को आएं और अपने जो ताकत है उसको दिखाएं और अपना सम्मान लें। देखिए, बापू सभागार का आप कैपेसिटी जानते हैं, हमारा जितना भी जनप्रतिनिधि है सभी जिला से आ रहे हैं, सारे पूरे बिहार के जितना जिला है सभी जिला से जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, वो 18 तारीख आए और सम्मान समारोह में शिरकत करें। नहीं, हम अपने समाज को निमंत्रित कर रहे हैं, सुन लीजिए, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू जो सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका उद्घाटन करेंगे, और मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, लेसी सिंह जी, सारे लोग रहेंगे, हमारे भाई लोग रहेंगे, जयकुमार भाई रहेंगे, सेतु रहेंगे, छोटू सिंह रहेंगे, मंजीत सिंह रहेंगे, राणा रणधीर सिंह रहेंगे, हाँ पूर्व सांसद मीना सिंह जी रहेंगी, विधायक रिंकू सिंह रहेंगे, बस सारे लोग हम लोग रहेंगे उन जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह जो मनाया जा रहा उसको स्वागत करने के लिए। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है।
देखिए पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर। जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।